बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई फोटोग्राफ्स देखते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि इस फोटो में कोई स्टोरी होगी। तो आज मैं फ़ोटो सिर्फ आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, बट फोटोग्राफर की भी कोई स्टोरी होती है। सो मैं अपनी फोटोग्राफी स्टोरी बताऊंगा आपको। एंड तो मैं बिगनिंग करता हूँ कि जब मैं 2.5-3 साल का था, मैं ओरिजिनली वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ, और जब मैं 2.5-3 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा देखभाल करने के लिए मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया था। क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ा लिखा नहीं सकते थे, बिकॉज मेरे पापा की पर डे की इनकम 15-20 रुपये थी। तो मेरे नाना जी बोकारो स्टील प्लांट में जॉब करते थे, मामा जी बोकारो स्टील प्लांट में जॉब करते थे, तो उधर की फैमिली कंडीशन थोड़ी बेटर थी। तो मैं वहाँ पे धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। बट ओनली एक दिक्कत थी कि मुझे लाइक छोटी छोटी बातों पे काफ़ी मार पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा काम करवाते थे। तो बचपन में कुछ फिल्में देखी थी कि लोग शहर जाके हीरो बन जाता है या अमीर आदमी बन जाता है, तो मुझे भी लगा कि शायद मैं अगर शहर चला जाऊं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। तो मैंने एक दिन अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए, 900 रुपये थे करीब, और मैं स्टेशन गया तो दिल्ली की ट्रेन थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया और मैं दिल्ली आ गया 1999 में। तो मैं उस समय 11 साल का था। तो जब मैं दिल्ली आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं प्लेटफॉर्म पे बस रो रो करके इधर से उधर भटक रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो प्लेटफॉर्म पे कबाड़ी चुनने वाले कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि वही घर से भाग करके आया है, तो मैंने उनको कहा कि हाँ, और मैंने अपनी उनको सारी स्टोरी बताई। तो मैं उनके साथ ऐसे ही घूमने लगा 2-3 दिन, एंड देन उसके बाद मैं भी उनके साथ ऐसे कबाड़ी चुनने का काम करने लगा। तो जो लोग पानी की बोतल पी के फेंक देते हैं, हम उन पानी की बोतल को इकट्ठा करते थे, और जनरल बोगी में हम उनको ठंडा पानी भर के हम 5-5 रुपये में वो पानी की बोतल बेचते थे। सो प्लेटफॉर्म की लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म में एक गैंग होता था, तो हर एक प्लेटफॉर्म में एक दादा टाइप का होता था, तो कभी वो पैसे छीन लेते थे, कभी पुलिस वाले मारते थे, कभी किसी पैसेंजर का कुछ सामान चोरी हो जाए तो उनको लगता था कि हमने चोरी किया है, वो मारते थे। एंड प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी भी लड़ाई होती थी तो वो हाथ से लड़ाई नहीं होती थी, वो हमेशा जेब काटने के लिए एक ब्लेड होता था, तो वो ब्लेड मार देते थे गाल पे या हाथ पे कहीं पे भी। तो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ थी, तो मुझे लगा कि शायद प्लेटफॉर्म पे रहूँगा तो किसी दिन मेरे गाल पे कोई ब्लेड ना मार दे। तो मैं नई दिल्ली स्टेशन के बगल में अजमेरी गेट है, वहाँ पे रिक्शा वालों के लिए बहुत सारे स्ट्रीट रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। तो मैं एक ढाबे में गया और उनको मैंने काम मांगा, तो उन्होंने मुझे एज ए डिशवाशर का काम दिया। तो मैं फिर वहाँ पे एज ए डिशवाशर का काम करने लगा। थोड़े दिन बाद एक भैया आए, वो खाना खा रहे थे, मैंने उनको सर्व किया। सो ही सेड कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? तो मैंने उनसे पूछा कि कौन मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा। सो ही सेड कि मैं तुम्हें एक संस्था भेज देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक संस्था भेजा वहाँ से, एक संस्था है दिल्ली में, सलाम बालक ट्रस्ट। सो 1988 में एक फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे, मीरा नायर ने इस फिल्म को बनाया था। तो उस फिल्म के प्रीमियर से ये ट्रस्ट बना था, सलाम बालक ट्रस्ट। तो मैं वहाँ पे जाके रहने लगा, एंड थोड़े समय बाद मेरा क्लास 6 में एडमिशन हो गया, क्योंकि मैं 5वीं तक घर से पढ़ करके आया था। फिर मैं रेगुलर स्कूल जाने लगा, और जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरे बहुत कम परसेंटेज आए, 48% आए। तो जो मेरे टीचर थे एनजीओ के, उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, आप अपना ट्रैक चेंज करो, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो, और आप 11th-12th ओपन स्कूल से पढ़ाई कर लेना। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप कुछ टीवी मैकेनिक का कोर्स कर लो, कुछ सिलाई का कोर्स कर लो, कुछ कुकिंग का कोर्स कर लो। सो मैंने अपने टीचर को कहा कि सर मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है, बिकॉज जब मैं 2000 में नया नया सलाम बालक ट्रस्ट आया था, तो एक ब्रिटिश फोटोग्राफर सलाम बालक में अलग अलग शेल्टर होम की फ़ोटो खींच रहा था। तो मुझे उनसे इंट्रोड्यूस किया कि ये फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो आप इनको सिखाओगे? तो मैं उनका ट्राईपोड लेके उनके साथ साथ घूमता था। तो डिक्सी के साथ, उनका नाम डिक्सी बेंजामिन था, उनके साथ प्रॉब्लम मुझे ये आ रही थी कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो मुझे यस ओके नो बोलने के अलावा कुछ नहीं आता था। तो डिक्सी सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता था, विक्की दिस इज शटर स्पीड, दिस इज अपर्चर, सो इस तरीके से मुझे एक एक चीज़ वो समझाते थे। और मेरे लिए डिक्सी को समझना बहुत डिफ़िकल्ट था, वो सारे मेरे सर के ऊपर से जाता था। सो एनी हाउ डिक्सी थोड़े दिन बाद वापस चला गया, और 2005 में मुझे सलाम बालक से निकलना था, क्योंकि 18 साल के बाद हम शेल्टर होम में नहीं रह सकते हैं गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। सो मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने मुझे एक जॉब ढूंढ के दिया, तो एक दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर है, उन्होंने मुझे एज ए फोटो असिस्टेंट जॉब दिया,
और ही सेड कि मैं आपको 3000 सैलरी दूंगा, सेलफोन दूंगा, बाइक दूंगा. सो आई थॉट वाओ ये तो काफ़ी बढ़िया जॉब है. एंड ही सेड कि महीने में 8-10 दिन आना है एंड बाकी दिन आप फ्री रहोगे. तो मैंने उनको असिस्ट करना चालू किया और मैंने सलाम बालक से लोन लेके एक फिल्म कैमरा ख़रीदा, निकॉन F80. और सलाम बालक मुझे हर महीने 3 रोल और उसके डेवलपिंग के खर्चे देते थे. तो मैं फ़ोटो खींचना चालू किया. सो 3000 में मुझे सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि मुझे जा कर के इधर उधर फ़ोटो भी खींचना होता था. तो और 500 रुपये मुझे रिटर्न करने होते थे लोन के. तो मैं जाके शादी घर में वेटरिंग कर लेता था या लाइटें उठा लेता था बारात में, तो उससे भी थोड़े से पैसे मिलते थे. एंड उससे फिल्म रोल खरीद के मैं अपना फ़ोटो खींचता था. सो ये मेरे घर के कुछ फ़ोटो है. तो लाइक यू नो, आप फ़ोटो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी घर की फैमिली कंडीशन कैसी रही होगी. और ये फ़ोटोज़ मैंने 2016 में खींची है घर की, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 99 में या उससे पहले मेरे घर की कंडीशन कैसी और रही होगी. सो मेरे सलाम बालक ने पहले मुझे ये कोडक कैबिटेन का कैमरा दिया था और इससे मैं अपने दोस्तों की फ़ोटो खींचता था. तो मैं उनको पार्क में लेकर के जाता था और उनसे 5-5 रुपए लेके मैं इनसे उनके इस तरीके से फ़ोटो खींचता था. बट फिर जब मैंने SLR कैमरा लिया और उससे 2005 से 2007 तक मैंने एक स्टोरी पे काम किया और 2007 में मैंने अपना पहला एग्जीबिशन लगाया स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से. सो स्ट्रीट ड्रीम्स में मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि बेसिकली जब ये आप ये फ़ोटो देख रहे हो तो एक तरीके से आप मुझे देख रहे हो कि मैं जब स्ट्रीट पे था तो मैं किस तरीके से रहता था. तो मैंने सारे 18 साल से कम उम्र के बच्चों की स्ट्रीट में फ़ोटो खींचा था एंड सभी की लाइक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है एवरी पिक्चर में. लाइक ये मंगल नंदलाल है, ये सुबह स्कूल जाते थे, शाम को न्यूज़पेपर बेचते थे. ये विक्की है, ये पूना से आता था और बेगिंग करता था एंड देन उसके बाद पैसे इकट्ठा करके वापस चला जाता था. तो ये बेसिकली आप जितने फ़ोटो देख रहे हैं ये आप बेसिकली मुझे देख रहे हो कि जब मैं स्टेशन में रहता था तो मैं किस तरीके से नहाता था, कैसे बेगिंग करता था या कैसे बोतल कलेक्ट करता था. ये लाची है एंड सी इज़ ए बलून सेलर एंड लाची नाउ पास्ट अवे. एंड ये फ़ोटो मैंने लाची की 2006 में खींची थी बट उसकी अब एक बेटी है जो अभी भी हनुमान मंदिर के पास रहती है CP में. कभी कभी हम गार्बेज स्टोर में जाके ऐसे सो जाते थे क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले चेक करने के लिए नहीं आते थे कि हम क्या कर रहे हैं. सो हम इसी तरीके से कहीं पे भी सो जाते थे. सो ये एग्जीबिशन मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा क्योंकि ये एग्जीबिशन 3 times लंदन ट्रेवल किया, साउथ अफ्रीका गया, वियतनाम गया एंड 2009 में एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. तो उसमें पूरे वर्ल्ड से ये कंपटीशन था तो काफ़ी एंट्रीज थी बट उन्होंने पूरे वर्ल्ड से सिर्फ 4 फोटोग्राफर चुने थे. तो उसमें से 2 US से था, एक हांगकॉन्ग से था और एक में इंडिया से था. थैंक यू. तो मुझे उन्होंने 6 months के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए. सो ये मेरे मेंटोर थे वहाँ पे जॉय उलहेट. और मुझे हर दिन जाने की परमिशन नहीं थी, हफ्ते में लाइक एक दिन जाने की परमिशन थी और 2 घंटे के लिए. सो ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है और मैं अभी रिसेंटली US से वापस आया हूँ तब ये बिल्डिंग सारे बन गए हैं. तो इट्स लाइक ए टोटली डिफरेंट फील फॉर मी. सो साथ में उन्होंने मेरे, जब मैं न्यूयॉर्क में 6 months था तो उन्होंने मुझे ICP में एडमिशन करा दिया था. तो न्यूयॉर्क में एक फोटोग्राफी स्कूल है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोटोग्राफी. सो वो वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी स्कूल है. तो वहाँ पे मैंने 6 months का डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कोर्स किया क्योंकि मैंने जो फोटोग्राफी वो असिस्ट करके सीखा था. तो मुझे लगा कि इन फ्यूचर अगर मैं किसी को चीज़ें टीच करूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आनी चाहिए.
सो जब मैं न्यूयॉर्क गया तो लाइक मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मैं इंडिया से मेरा पहला ट्रिप था. मुझे लगता था कि मैं कैसे बात करूँगा वहाँ पर जा कर के, मुझे इंग्लिश नहीं आती है. फिर जब मैं वहाँ पे गया, थोड़े दिन टाइम स्पेंड किया, एंड देन आई रियलाइज़ कि जो जैपनीज है, यूरोपियन है, वो तो हमसे वाहियात इंग्लिश बोलते हैं. तो मुझे लगा कि उनसे तो मेरी इंग्लिश बेटर है, तो आई फील वेरी प्राउड कि हाँ, इनसे तो थोड़ा बेटर बोलता हूँ मैं. थैंक यू. सो हमारे सलाम बालक में एक अवार्ड प्रोग्राम चलता था और उसका नाम था इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल. तो मैं उस अवार्ड प्रोग्राम का गोल्ड अवार्ड होल्डर था. तो उस अवार्ड, थैंक यू. सो उस अवार्ड प्रोग्राम के थ्रू मुझे 2009 में लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंघम पैलेस. सो ये वहाँ की है. 2011 में मैंने ये रंग ओपन लाइब्रेरी स्टार्ट किया. मेरा एक कुलीग है चंदन गोम्स, हम दोनों ने मिलके ये लाइब्रेरी स्टार्ट किया. सो व्हाट वी डिड, वी आस्क ऑल बिग शॉट फोटोग्राफर टू डोनेट अस फोटोग्राफी बुक्स. सो लाइक यू नो एवरीवन इंटरेस्टेड टू डोनेट. सो हमारे पास करीब 400-500 फोटोग्राफी बुक्स इकट्ठे हो गए. और जब भी हम ये लाइब्रेरी करते थे, हम हमेशा एक इस्टेब्लिश फोटोग्राफर को टॉक के लिए बुलाते थे. तो हम इस तरीके से इस लाइब्रेरी को रन करते थे. और कभी भी हम टूर लेकर के जाते थे तो हम अपने साथ 50-100 बुक्स लेकर के जाते थे वहाँ के लोकल लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो 2013 में फिर मेरी पहली फोटोग्राफी बुक आई होम स्ट्रीट होम के नाम से. सो इस बुक का नाम होम स्ट्रीट होम इस वजह से रखा क्योंकि मैं पहले घर पे था, फिर मैं स्ट्रीट पे रहा, फिर शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया था. तो स्ट्रीट के बाद मैंने अपनी शेल्टर होम की लाइफ शूट की थी कि शेल्टर होम में मेरी लाइफ कैसी थी. तो आप बेसिकली जब ये फ़ोटो भी देख रहे हो तो एक तरीके से आप मुझे देख रहे हो कि मेरी शेल्टर होम की लाइफ कैसी थी. और ये फ़ोटो मैंने कलर में शूट किया था क्योंकि मुझे लगता था कि जो मेरी शेल्टर होम की लाइफ थी वो कलरफुल लाइफ थी, मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं थी. हम अपने अंडरवियर इस तरीके से सुखाते थे शेल्टर होम में. सो ये सब जो भी चीज़ें मैंने किया, यू नो लाइक मैंने अपने आप को डेवलप करने के लिए किया. क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मैंने टीचर ने लाइक पूरे क्लास से एक सवाल किया था कि आप देश के तरक्की में कैसे योगदान दे सकते हो. सो हमारे पास आंसर नहीं था, तो टीचर ने कहा कि सबसे पहले आप अपनी तरक्की करो. आप खुद तरक्की कर लोगे तो देश से एक गरीब कम हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप दूसरों के लिए सोचना. सो ये जो मैं प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैंने फोटोग्राफी से सोसाइटी को कैसे हेल्प किया. सो मेरी एक फ्रेंड, जर्मन फ्रेंड है और तीन इंडियन फ्रेंड है, उन्होंने ये स्केट पार्क स्टार्ट किया और इसका नाम है जनवरी, ये एमपी में है. सो यहाँ पे जो बच्चे स्केटिंग करते हैं वो आदिवासी और यादव बच्चे स्केटिंग करते हैं. तो आप फोटो में भी आप देख सकते हो कि किस तरह के बच्चे स्केटिंग करते हैं. तो मैंने यहाँ पे ये फ़ोटोज़ खींचना चालू किया. ये 2015 के बिगनिंग में बना था. सो इनके लिए मैंने फिर एक कैंपेन किया कि यू नो लोग कैसे इस जगह को जाने और ये बच्चे क्या करना चाहते हैं उनके बारे में जाने. तो ये बच्चे जो भी कहना चाहते थे मैंने इनकी बातें इनके स्केटबोर्ड पे लिख दिया. सो लाइक अंकुश सिंह की, मैं देश की सेवा करूँगा. सीमा सिंह की, हमारे स्कूल में पंखे होने चाहिए. और ये सब पिक्चर में ऑनलाइन अपलोड करना चालू किया. सो लाइक व्हेन आई अपलोड दिस पिक्चर सीमा, तो मेरे एक दोस्त है उसने स्कूल के लिए पंखे डोनेट कर दिए, तो लाइक स्कूल में पंखे लग गए. देयर इज अनदर गाय गोविंद. सो गोविंद सिंह की, मैं गांव का सरपंच बनना चाहता हूँ. और मैंने जब ये पिक्चर अपलोड किया तो मेरे एक ट्रस्टी है संजय रॉय नाम है उनका. सो उसने इस बच्चे की डिटेल मंगाई है और इसने इसको उन्होंने इनको 2 लाख की स्कॉलरशिप दी आगे पढ़ने के लिए. थैंक यू. सो लेटर ऑन जो एनजीओ थे उन्होंने मुझे कहा कि गांव में पानी की काफ़ी दिक्कत है, लोगों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए. तो दे सेड कि उसका एक सोल्यूशन है, बट उसके लिए हमें 8 लाख रुपए चाहिए.
तो आई सेड कि यू नो ऐसे तो हमें कोई इतना पैसा देगा नहीं, तो मे बी जो स्केट पार्क के मैंने फ़ोटो खींचे हैं, वी आस्क टू बाय माय आर्ट वर्क एंड हम इससे ये वाटर इनिशिएटिव कंप्लीट करेंगे। तो हमने समहाउ अपने थोड़े मैंने अपने थोड़े से उन्होंने मेरे फ़ोटो बेचे और हमने 8 लाख रुपये इकट्ठा किया और वहाँ उनसे उन्होंने वहाँ पर एक डीप बोर करवाया, बड़ी टंकी लगवाया और उसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया मोटर को। सो तो अब वहाँ पे 24 घंटे पानी अवेलेबल है और ऐसे 4 नलके लगा दिया। सो उसी गांव में ये सचिन करके एक लड़का था, तो सचिन को ये डिजीज लाइक पिछले 5 साल से हो रखा था और इसने कभी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया था। तो मैंने उसके मम्मी से जाके पूछा कि आपके पास कोई पेपर है, एंड दे सेड कि नहीं। तो मैंने सचिन के ऐसे फ़ोटो खींचा, मैं दिल्ली आकर के इसको अपने फेसबुक पेज पे डाला कि इस लड़के का नाम सचिन आदिवासी है और कोई इसे सपोर्ट करना चाहे तो प्लीज़ इनबॉक्स मी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि तुम उसका इलाज कराओ, जो भी खर्चा आएगा मुझे बिल भेज देना। तो सचिन को फिर दिल्ली ला करके इलाज करवाया एंड सचिन अब ऐसा दिखता है। मैं 2016 फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में था। लास्ट ईयर वोग मैगजीन में 40 अंडर 40, तो सडनली मुझे फील होने लगा अब मैं एजेड हो गया हूँ। ये मैंने एक बुक किया था अभी रिसेंटली, क्योंकि सारा नेम फेम मुझे दिल्ली ने दिया है और दिल्ली से मुझे बहुत प्यार है। मुझे बाहर भी जॉब मिले हैं US में, बहरीन में, बट मैंने बाहर कभी जॉब नहीं किया क्योंकि मुझे लगा मेरा नेम फेम मुझे दिल्ली ने दिया है तो मैं हमेशा दिल्ली में रहूँगा। तो जब मुझे ये बुक ऑफर आया था शीला दीक्षित के तरफ से, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था कि यू नो मैं दिल्ली के लिए कुछ करूँ। तो ये बुक है और ये मैंने शीला दीक्षित के लिए शूट किया हूँ कि उन्होंने लास्ट 15 साल में क्या काम किया था। ये मैंने कुछ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप शूट किया था trulymedley.com के लिए। तो बेसिकली जब मैंने अपना टॉक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको अपने घर की फ़ोटो दिखाई कि मैंने 2016 में अपने घर की फ़ोटो खींची थी कि स्टिल हमारा घर कैसा था। 2016 मदर्स डे पे मैंने अपनी मम्मी को ये घर गिफ्ट किया हूँ। थैंक यू। सो ये मेरी लाइफ जर्नी थी थ्रू फोटोग्राफी। सो थैंक यू सो मच।